मॉडर्न बनने के शौक में हम अभारतीय ना बन जाए, मॉडर्न बने लेकिन मॉडर्न बनने का अर्थ अभारतीय बनना नहीं है। भारतीयता और मॉडर्निज्म क्या दोनों संग चल सकते हैं कि नहीं? हम याद कर सकते हैं तीन महापुरुषों को, स्वामी विवेकानंद को। विचारों की दृष्टि से वह अत्यंत मॉडर्न थे, लेकिन अपने विश्वासों में, अपनी जमीन से, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। हम योगी अरविंद को याद कर सकते हैं। योगी अरविंद ने एक बार कहा कि भारत क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिज्म क्या है। अब आप सब तो साइंस के, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के छात्र हैं, आप तो पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेज, लिटरेचर वगैरह के छात्र नहीं हैं, लेकिन ये एक सवाल है, व्हाट इज नेशनलिज्म? तो योगी अरविंद ने कहा कि भाई सनातन धर्म ही भारत की राष्ट्रीयता है, सनातन धर्म ही हम लोगों की राष्ट्रीयता है, यही हमारा नेशनलिज्म है। अगर सनातन धर्म हमारी राष्ट्रीयता है तो हम क्या इस सनातन धर्म से कटते तो नहीं जा रहे? सनातन धर्म का मतलब है जो बराबर बना रहने वाला है, जिसकी धारा टूटती नहीं, उसी को सनातन कहते हैं। तो हम इस सनातन धर्म से कटते जा रहे हैं, मॉडर्न होने की फिराक में कहीं हम अभारतीय तो नहीं होते जा रहे? विश्वविद्यालयों का एक काम यह भी है कि वो युवा पीढ़ी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे, आधुनिक बनाए, मॉडर्न बनाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करे उसमें, और उसको साइंस और टेक्नोलॉजी की के जमाने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे, वहां अपनी परंपरा से, अपने मूल से, अपनी जड़ से न कटने दे। गांधी जी ने यह काम किया, ये काम स्वामी विवेकानंद ने किया, और ये काम हमारे विश्वविद्यालयों को करना है। तो आप कहेंगे कि आप तो ऐसे ही बेकार का दाएं बाएं का भाषण दे रहे हैं, ये भारतीयता होती क्या है? हमको तो आप बताओ कि भारतीयता क्या है। अगर हमारी समझ में आएगा तो हम भारतीयता से जुड़ेंगे, अगर ये हमारे ऊपर से निकल गई तो आपका भाषण बेकार है। अब देखिए, इस भारतीयता की इंडियननेस की भी परिभाषा है। हम बोलते हैं कोर वैल्यूज। हर समाज की कुछ कोर वैल्यूज होती हैं। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी ने कहा कि अवर यूनिवर्सिटीज शुड इम्पार्ट एजुकेशन टू इनकलकेट एंड स्ट्रेंथन कोर वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। ये कोर वैल्यू क्या है? यही भारतीयता है। इस कोर वैल्यू को भारत के संदर्भ में हम कहना चाहें तो ये धर्म है, ये धर्म है। दो प्रकार का जीवन होता है, धर्ममय और अधर्ममय। धर्म का मतलब पंथ, रूढ़ियां और कर्मकांड नहीं है। गांधी जी धर्म को कहते थे नीति, वह धर्म को कहते थे फर्ज, वह धर्म को कहते थे दूसरों के लिए काम करना, स्वार्थ से ऊपर उठना। ये हमारी कोर वैल्यू है। जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसी धर्म में से पैदा होती हैं। शिक्षा को हम संप्रदाय से न जोड़ें पर धर्म से तो अलग ना होने दें, उसको धर्म से जोड़ें तो उसमें सब कोर वैल्यूज से जुड़ना अपने आप आ जाएगा। मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं ये बात कहकर कि भारत में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है। इसको आजकल डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं,
कहते हैं चीन हमसे आगे है लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, कल हम चीन से आगे बढ़ जाएंगे, चीन बूढ़े लोगों का राष्ट्र रह जाएगा, हमारा जवान लोगों का राष्ट्र होगा। अलग अलग बात बताते हैं, कहते हैं कि 125 अरब की आबादी में कोई कहता है 44 करोड़ युवा हैं, कोई कहता है 42 करोड़ युवा हैं, इतनी बड़ी युवा शक्ति है, ये हमारे राष्ट्र की असीम शक्ति है, इसको पहचाने। ये असीम शक्ति ही नए भारत का निर्माण करेगी और विश्वविद्यालय इसी असीम युवा शक्ति के पोषण करने वाला पालना है। यहाँ पर इस युवा शक्ति का पोषण होना है, उसका एम्पावरमेंट होना है, उसकी कैपेसिटी बढ़नी है, उसको दिशा मिलनी है, उसके मन का संस्कार होना है, उसके बुद्धि का स्तर और ज्ञान का स्तर बढ़ना है, उसी में से लीडरशिप पैदा होनी है, उसी में से देश का भावी नेतृत्व पैदा होना है। अगर इतने काम विश्वविद्यालयों को करने हैं तो APJ अबुल कलाम साहब का एक मंत्र याद रखिए और वो मंत्र ये है कि चुनौतियों को निमंत्रण देओ, इनवाइट चैलेंजेस, डोंट वेट दैट चैलेंजेस विल कम बाय देमसेल्व्स, इनवाइट चैलेंजेस। सूरमा वो होता है जो अपने प्रतिद्वंदी को पुकारता है आओ, तो युवा पीढ़ी भी चुनौतियों को स्वीकार करे, बुलाए, आमंत्रित करे, घबराए नहीं। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का युवा पीढ़ी के लिए ये मैसेज सबके लिए याद रखने वाला है। और एक दूसरा उतना ही महत्व का मैसेज है, छोटे सपने देखने वाले लोग छोटे रहते हैं, बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति बड़ा हो जाता है। इसलिए उन्होंने युवाओं को कहा कि बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखो। जो व्यक्ति पहाड़ की छोटी मंजिल तक अपनी नज़र टिका के रखता है, उसमें इतना साहस ही पैदा नहीं होता कि वो पहाड़ की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच जाए। इसलिए बड़े सपने देखो, चुनौतियों को आमंत्रित करो, बड़े सपने देखो। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। डॉक्टर कलाम हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उनका यह संदेश विश्वविद्यालय की दीवारों में, विश्वविद्यालय के परिचर में, विश्वविद्यालय की प्राचीर में गूंजना चाहिए और वो युवा पीढ़ी को बराबर प्रेरित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके कहे हुए हर शब्द ने हमारे हृदय को प्रभावित किया है और हमारे आगे बढ़ने के विश्वास को बढ़ाया है। हम फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट सर टू प्रेजेंट अ मेमेंटो टू द चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर श्री टू एक्सप्रेस अ वार्मथ। माननीय मुख्य मेहमान श्री श्री ओम प्रकाश कोहली जी, राज्यपाल गुजरात, डॉक्टर BG पटेल, प्रोवोस्ट चारूसेट, डॉक्टर MC पटेल, सेक्रेटरी केलवानी मंडल, श्री नगेन्द्र भाई पटेल, प्रेसिडेंट मातृसंस्था, गवर्निंग बॉडी तथा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तमाम सभ्यों, कलेक्टर श्री देवांग, पदवीधारकों, वालीगण, आमंत्रित मेहमानों, चारूसेटना सर्व
अध्यापकों तेमज विद्यार्थियों, चारुसेट यूनिवर्सिटीना पांचमा पदवीदान समारोह प्रसंगे आव सब प्रथम सर्व पदवीधारकों तेमज सुवर्ण चंद्रक प्राप्त करना विद्यार्थियों हार्दिक अभिवादन करूँ छू। वाला विद्यार्थियों, अपना सर्व माटे गौरवनी बात है कि माननीय गवर्नरश्री आपने आशीर्वादन आपवा माटे आज रही पधार्या छे। तेओ पोते एक सारा शिक्षक रही चुक्या छे। चाणक्यनी ए वात तेमने पुरवार करी छे कि शिक्षक क्यारेय साधारण नथी होतो। आपणा आमंत्रणनो स्वीकार करी चारुसेट यूनिवर्सिटीना पांचमा पदवीदान समारंभमां दीपवा बदल चारुसेट परिवार वती हूँ कृतज्ञता व्यक्त करूँ छूँ। विशेष रूपे चारुसेट ए ऑफ द सोसायटी फॉर द सोसायटी एंड बाय द सोसायटी ना हेतु थी कार्य करे छे। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी अने ट्रांसपरंसी ज्या उच्च मूल्यों ने अनुसरीने चारुसेट तेना तमाम प्रवृत्तियों ने बृहत समाज ने सहायरूप बनवा माटे सदाय प्रयत्नशील छे। चारुसेट रूरल एजुकेशन्स ने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चारुसेटना आ ध्येयनु उदाहरण छे। आ योजना हेठळ ग्रामीण शालाओनुं शिक्षणनुं स्तर ऊँचू लेवानो प्रयत्न करवामां आवी रह्यो छे। अंतर्गत शालाना विद्यार्थीओ, शिक्षकों, वालीओ तथा संचालन मंडळनो सभ्यो माटे विविध प्रवृत्तिनुं आयोजन करवामां आवे छे। नॉलेज एंड रिसर्च द्वारा राष्ट्रनी सफलताना नया शिखरो तो दौरी जवू ए आप सर्वनु नैतिक जवाबदारी छे। आथी ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट चारुसेट यूनिवर्सिटीना प्रवृत्तिनुं केन्द्र स्थान रह्यु छे। आज 7 विद्यार्थीओनी पीएचडी डिग्रीनी एनायत करवामां आवी छे। वधुमां 255થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અત્રે પીએચડી કરી રહ્યા છે। આપ સૌ જીવનના સફરમાં આજે નવો અધ્યાય શરૂ કરી રહ્યા છો। શિક્ષણ ફક્ત પુસ્તકો, પરીક્ષા અને પરિણામ સુધી સીમિત નથી। જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત બનતી દરેક ઘટનાઓ અને અનુભવો એ શિક્ષણ છે। ટેકનોલોજીના કારણે દુનિયા ઝડપથી બદલાઈ રહી છે, જેથી આપણે આપણી જાતને સતત અપગ્રેડ કરતા રહેવું જરૂરી છે। આપણે જે પણ કાર્ય હાથ ધરીએ અને જે કંઈ હાથ પર લઈએ તેને ચીલા ચાલુ પ્રમાણે નહીં પણ ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરવા માટે સતત ચિંતન કરીએ અને તે પ્રમાણે કાર્યને અમલમાં મૂકીએ તેમજ આપણી સફળતા છે। જીવનમાં સફળ થવા માટે જો પ્રેરણાદાયક વ્યક્તિત્વ હોય તે સ્વામી વિવેકાનંદ છે। જીવનમાં એક નિર્ધાર કરો, એ જ નિર્ધારને જીવનનો ઉદ્દેશ બનાવો। તમારા વિચારો, કર્મો અને ધ્યેય સર્વેમાં તે નિર્ધારિતને કેન્દ્રમાં રાખો। વર્ષ 2000થી શરૂ થયેલી આ શિક્ષણ યાત્રાને આજે 15 વર્ષ પૂરા થયા છે। ત્યારે દાતાશ્રીઓ, અધ્યાપકો, ગવર્નિંગ બોડી, બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટના તમામ સભ્યો, કેરોની મંડળના સભ્યો, આપણા હિતજીઓના સહકારથી આપણે યુનિવર્સિટીને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ। આપ પણ આ યુનિવર્સિટીના સંપર્ક રહી આમાં સહકાર આપશો એવી અપેક્ષા છે। આપના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની શુભેચ્છા। ચારુસેટ પરિવાર વતી ફરીવાર માન્ય ગવર્નરશ્રીઓ આપ સર્વેનો આભાર માનું છું। એન્ડ નાઉ આઈ ડિક્લેર ધ કોન્વોકેશન ક્લોઝ। થેન્ક યુ। વી એક્સપ્રેસ અવર હાર્ટફેલ ગ્રેટિટ્યુડ ટુ અવર ચીફ ગેસ્ટ ઓનરેબલ ગવર્નરશ્રી ઓફ ગુજરાત for gracing the occasion of the 5th convocation and blessing the students. There could not have been more opportune and pious blessings than this, as Honorable Governorshree is a teacher by heart. The governing body and the board of management members are always guiding and supporting CHARUSAT. A special thanks to them.
Our heartfelt thanks to the patrons of our seven institutes, Sumitra Ben Patel, patron Chandubai S. Patel Institute of Technology, Dr. M.I. Patel, patron Srimati Chandaben Mohanbhai Patel Institute of Computer Applications, Sri Pankajbhai Patel, patron Ramadbhai Patel College of Pharmacy, Sri Devangbhai Patel, patron Indukaka Ipkoala Institute of Management, Sri Manubhai P.D. Patel, and late Sri P.D. Patel, patron P.D. Patel Institute of Applied Sciences, Sri Ashokbhai and Rita Ben Patel, patrons Ashok and Rita Patel Institute of Physiotherapy, and two sisters, Sumitra Ben and Joshna Ben, patrons of Manikaka Topawala Institute of Nursing. Luckily, we have Dr. M.I. Patel, sir, Manubhai, and Devangbhai with us to bless the students. Our sense of obligation extends to all our esteemed donors. Without their lock-like support, this university would not have existed. We are also thankful to the donors of the gold medals, Sri P.D. Patel, Dr. M.I. Patel, Sri